सुप्रभात बच्चों आशा नेशनल इंग्लिश स्कूल एंड द गुड एजुकेशन सेंटर से, से मैं पुष्पा मध्यान संचार माध्यम कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है कक्षा तीन के छात्रों के लिए आज का विषय है विज्ञान विज्ञान की देन बच्चों हम लोगों ने ये लेसन नंबर पढ़ा था फोर पक्षी जगत ये हम लोग यहाँ तक कर चुके थे पढ़ चुके थे आज हम लोग पढ़ेंगे पेड़ पर चढ़ने वाले पक्षी कुछ पक्षी जैसे तोते और कट फोड़वे ऊपर चढ़ते हैं इनके पैरों में दो अंगुलिया आगे की तरफ तथा दो पीछे की तरफ नीचे की ओर झुकी हुई होती है इन पंजों की सहायता से ये आसानी से पेड़ों पर चढ़ जाते हैं देखिए बच्चों ये तोता है तोता के आप लोग ने देखा होगा इनके पैर में यहाँ पर दो उंगली बनी होती हैं जो आगे की तरफ ऐसे करके झुकी होती हैं ठीक झुकी होती हैं तो ये इन पंजों की सहायता से आसानी से पेड़ पर चढ़ जाते हैं यहाँ पर शाखाओं पर बैठने वाले पक्षी कुछ पक्षियों जैसे कौवा कबूतर गौरैया और मैना आदि के पंजे लंबे तथा पतले होते हैं इनके तीन उंगलियां सामने तथा एक उंगली पीछे की तरफ होती है इस प्रकार पंजे के पेड़ों की टहनियों को पकड़ने में सहायता करते हैं इनकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि ये पेड़ पर बैठे बैठे सो लेते हैं और नीचे नहीं गिरते हैं ठीक मतलब ये पक्षी जो है पेड़ पर बैठे बैठे सो लेते हैं पर गिरते नहीं क्योंकि इनकी पकड़ जो है बहुत मजबूत होती है हैं इनकी जो तीन उंगलियां होती है सामने तथा एक उंगली पीछे होती है देखिए वन टू थ्री है, आगे है ये एक पीछे है तो ये इससे इनकी पकड़ मजबूत हो जाती है नंबर तीन खुरचने वाले पक्षी कुछ पक्षी जैसे मुर्गी आदि अपने पैरों से मिट्टी को खुरच कर उसमें से बीज या कीड़े मकोड़ों को निकालते हैं इनके मजबूत पैरों में तीन उंगलियां आगे तथा एक उंगली पीछे की तरफ होती है अंगुलियों में एक पैना नाखून होता है ये पक्षी आसानी से जमीन पर चल और दौड़ सकता है ये आप देख पा रहे हैं ठीक है मांसाहारी पक्षी कुछ पक्षियों जैसे बाज चील गिद्ध गरुड़ आदि के पंजे मजबूत चौड़े पहने और मुड़े हुए होते हैं ये शिकारी पक्षी कहलाते हैं इस प्रकार के पंजे इन पक्षियों की चूहा मेडक और छोटे छोटे पक्षी पकड़ने में सहायता करते हैं अब तैरने वाले पक्षी कुछ जलीय पक्षियों जैसे बत्तख और हंस के पंजे झिल्लीदार होते हैं इनके पैरों में तीन उंगलियां आगे की ओर तथा एक उंगली पीछे की ओर होती है पीछे की तरफ होती है आगे की उंगलियां त्वचा द्वारा जुड़ी हुई होती हैं इनके झिल्लीदार पंजे पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं ये पंजे तैरने में सहायता करते हैं ठीक जल में चलने वाले पक्षी सारस बगुला टिटिहिरी आदि जल के निकट रहते हैं इनकी टांगे विशेष प्रकार की पतली और लंबी होती हैं, तथा उंगलियां फैली होती हैं, ऐसी विशेष टांगों तथा उंगलियों के कारण ये पक्षी कीचड़ में नहीं घसते हैं ये पक्षी पानी की सतह पर अपनी विशेष टांगों की सहायता से अपने शरीर को बिना भिगोए आराम से चल सकते हैं ये जल में चलने वाले पक्षी पढ़े आपने अब महत्वपूर्ण बिंदु प्रश्नोत्तर खाली जगह ये हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे ठीक एक आवश्यक सूचना है प्रिय अभिभावक महोदय को सूचित किया जाता है कि जिन बच्चों की फीस विद्यालय कार्यालय में अभी तक नहीं जमा हुई है वो बिना अविलंब किए विद्यालय कार्यालय में प्रातः दस से दो बजे तक आकर अपने बच्चे की फीस जमा करने का कष्ट करें ताकि आपके बच्चे की पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे धन्यवाद